नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब विद पीडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको RPSC सेकेंड ग्रेड के साइंस का जो पूरा OPCS सिलेबस है वो हिंदी में बताऊंगा। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसके अलावा यदि आप फर्स्ट पेपर यानी GK के पेपर का OPCS सिलेबस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप GK यानी फर्स्ट पेपर का पूरा OPCS सिलेबस है वो हिंदी के अंदर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा तो आप अभी से इसे लाइक और शेयर कर देना, और इसी प्रकार के यानी सेकेंड ग्रेड से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले हम जल्दी से एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आपकी दो एग्जाम होती है। फर्स्ट पेपर यानी GK का पेपर होता है जो कि 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर अंक बार की बात करें तो 200 नंबरों का पेपर होता है फर्स्ट पेपर। वही सेकंड यानी जो भी आपका सब्जेक्टिव पेपर है उसके अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं और ये 300 नंबरों का होता है। तो इस प्रकार दोस्तों, आपके जो क्वेश्चनों की संख्या होती है वो तो होती है 250, और इनका जो अंक बार होता है वो होता है आपके 500 के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। तो सेकंड पेपर की हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें अधिकतम है 300 अंक होते हैं, ठीक है। 150 आपको मल्टीपल जो चॉइस के जो विकल्प के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको जो टाइम अवधि दी जाती है इसके लिए 2 घंटा 30 मिनट का आपका टाइम पीरियड होता है। दोस्तों, जो आपका सेकंड पेपर होता है इसका एक फिक्स पैटर्न होता है, किसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर सेट किया जाता है। यानी कि जो आपकी 10th और 12th है यानी माध्यमिक और जो सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का जो आपको नॉलेज है वो आपका परखा जाता है। तो किसके अकॉर्डिंग परखा जाता है, यानी इससे आपके 90 क्वेश्चन आते हैं जिनका अंक 12 है वो 180 नंबर होता है। यानी सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा तो वो रहेगा आपके 10th और 12th का। 10th और 12th के आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 180 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। सेकेंड वही हम बात करें तो जो आपके ग्रेजुएशन लेवल के आपसे इसके अंदर 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके अंक बार की बात करें तो 80 नंबरों का इनका अंक बार होता है, ठीक है। तीसरा आपकी जो सब्जेक्ट होता है उसके टीचिंग मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 नंबरों के पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, पूरे आपके 150 क्वेश्चन 300 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। दोस्तों, सिलेबस में सबसे पहले हम जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी 10th और 12th है जिससे आपके 180 नंबरों के 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, सिलेबस के बारे में डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 10th और 12th के किसी भी टॉपिक का कोई भी शायद ही कोई साइंस का जो टॉपिक है वो छोड़ा गया हो, यानी लगभग आपके 10th या 11th तक तो हर टॉपिक है उसके अंदर कवर किए गए हैं। 12th तक के भी आपके ज़्यादातर जो टॉपिक है इसके अंदर कवर किए गए हैं। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अब अपने सिलेबस की। इसका जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है सेल की संरचना यानी कोशिका की संरचना। कोशिका के जो भी अंग होते हैं कोशिकांग, फिर है सेल समावेश यानी कोशिका समावेशन, न्यूक्लिक एसिड जिसमें DNA RNA, कोशिका चक्कर के कार्य, कोशिका चक्कर, और फिर होता है आपके अनुवांशिकी कोड, RNA के जो प्रकार है दोस्तों RNA के प्रकार है, फिर आपका प्रोटीन संश्लेषण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड है आपका जैव अणुओं में जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है दोस्तों संयंत्र के उत्कों के प्रकार जिसमें डाइकोट मोनोकोट, जड़ के आंतरिक संरचना, स्टेम और पत्तियों के आपके माध्यमिक यानी द्वितीयक जो विकास होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे मोनोकोट एंड डाइकोट से। दोस्तों, ये पूरा सिलेबस है, मैं पूरा सिलेबस आपको साथ साथ में पढ़ के बताऊंगा, लेकिन कोई भी जो टॉपिक है आप अगर आप मैं नहीं पढ़ पाता हूँ तो जल्दी में तो दोस्तों आप है वो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों, सिलेबस काफ़ी वाइड है तो इसका मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको पढ़ूंगा। अगला है फूल की संरचना जिसमें पुष्प के प्रकार, पौधों में प्रजनन, फिर है पीडी फल बीज और परिवार, इसमें पुष्प है सूत्र पुष्प आरेख और इनका आर्थिक महत्व से क्वेश्चन आएंगे। अगला दोस्तों जल के संबंध जिसमें दोस्तों पानी से संभावित अवशोषण, पोषण के अंदर स्थूल पोषक तत्व है सूक्ष्म पोषक तत्व है उनके कार्य से क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट आपका पूरा प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक है जिसके अंदर आप देख सकते हैं अलग अलग आपके प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है जो भी आपके टॉपिक है वो इनमें सभी दिए गए हैं। चक्रीय गैर चक्रीय जो आपका फोटोसिंथेसिस और अंधेरी प्रक्रिया जिसमें जो चक्र होता है C3 और C4 है,
और विविध कारक समितियों के लिए जो प्रभावित करने वाले कारक है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस के अंदर इसके जो श्वसन की जो प्रक्रिया है उसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है ग्लाइकोलिसिस से और प्रकाश कैप्सकर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइमों का वर्गीकरण, कार्य की व्यवस्था, एंजाइमों की गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारक, पौधों की वृद्धि विकास, भेदभाव और विकास से दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादातर दोस्तों मैंने ट्रांसलेट किया है कि हिंदी के अंदर हो, इसी के कारण आपका कोई भी जो टॉपिक आपका बच जाता है इंग्लिश के अंदर है तो आप इनके जो टर्म है वो आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला है प्रदूषण के कारण जो कारक प्रकार है, ग्लोबिक वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्लीय वर्षा, ओजोनों का जो रिक्तिकरण हो रहा है, जैव विविधता, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, लुप्त प्राय जाति, वनों की कटाई, जैव समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, फूड चेन, पारिस्थितिकी प्रावीण्य, वन्य जीव, उनके संरक्षण चक्र संरचना, जानवरों के उत्तक, मानव एवं मानव जनसंख्या, स्वास्थ्य की विभिन्न प्रणालियों के समारोहण, प्रतिरक्षा प्रणाली, उत्तक एवं अंग प्रत्यारोपण, जैव उपचार, तकनीकी, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्राव प्रणाली, हार्मोन पशुओं में विनिमय, मानव शरीर विज्ञान के दोस्तों आगे आप पढ़ सकते हैं उत्सर्जन तंत्र, संरचना प्रणाली से आगे के जो क्वेश्चन है आप वीडियो को पॉज करके कहीं भी आप इसको स्क्रीनशॉट है वीडियो का ले सकते हैं। आगे दोस्तों अंबिबा दोस्तों जो भी आपका जो एककोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव होते हैं इनके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है वह विकास से जिसमें डार्विनवाद का सिद्धांत, लेमार्कवाद का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन और अनुकूल की अवधारणाएं, प्रजातियों और जो स्पेसीज होती है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जेनेटिक्स और अनुवांशिकता के जो आणविक आधार है, इसके बाद में लिंग निर्धारण और सेक्स से जुड़ी हुई विरासत, रक्त समूह है, आरएच फैक्टर, उत्परिवर्तन, जैव प्रौद्योगिकी, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, पुनः संयोजक है, डीएनए प्रौद्योगिकी, इससे उपकरण और तकनीकी, आगे जीन क्लीनर्स क्या होता है, पीसीआर उपकरण, जीन स्थानांतरण की प्रक्रिया से जुड़े हुए डीएनए प्रवर्धन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस है, कोई भी टॉपिक कहीं पे भी नहीं छूट रहा है, पता चल रहा हूँ आप साथ ही साथ में इसको पढ़ते हुए चले। आगे समरूपता, शरीर की गुहा, विभाजन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पौधों का वर्गीकरण जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मो, माइकोप्लाज्मा, लाइकेन, प्राथमिकी और जो आपका यूलेथेरिया रिचिका है इनका आपको ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो वह जानवरों में भ्रूण विज्ञान, शुक्राणु जनन, निषेचन, दरार, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परमाणु संरचना इसके बारे में जो भी आप पढ़ सकते हैं, आगे पूरा टॉपिक दिया गया। अब आपके जो केमिस्ट्री के टॉपिक है वो शुरू हो रहे हैं, पावली अपवर्जन सिद्धांत, हुंड के नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सरल होमोसेक्सुअल परमाणु, द्विप्रमाणिक अणुओं के आधार पर आणविक कक्षक सिद्धांत, परमाणु भार है। दोस्तों आगे आप इसमें पढ़ते हुए चलिए साथ साथ है। आगे हम बात करें तो इन मामलों में स्टैटिक जो आपकी जो अवस्थाएं होती है, गैसीय अवस्था, इसमें जो कानून अवस्था, आदर्श गैस समीकरण है, आंशिक दाब के डाल्टन जो सिद्धांत है वो गैसों के गति सिद्धांत है, तरल अवस्था के बारे में है, फिर ठोसों के बारे में दोस्तों इसमें जो पूरा है पूछा गया है कि इसमें आयनिक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंधन क्या होता है, सामान्य आण्विक और सहसंयोजक बंधों के गुणों की चर्चा यहाँ पे की गई है। तो यानी पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है 9-10 तक आपका जो लगता है, फिर 11th का भी इसमें अधिकतर सिलेबस है वो ऐड किया गया है। आगे दोस्तों आईपीयूसी नामकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोनोपरमाणु से क्वेश्चन होंगे, इसके आगे हम बात करें आकार, रंग, चुंब के पूछे जाएंगे, यौगिक धातु, कार्बनिक यौगिक, इनका जो आपको सामान्य ज्ञान है वो होना चाहिए, तत्वों के गुणों में अवधि के वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आवर्त सारणी के आधुनिक आवर्त सारणी है उनसे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आवर्त सारणी की जो सीमा लिमिटेशन है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का जो विन्यास है, तत्वों का नामकरण, तत्वों के प्रकार, जो भी एस पी डी एफ ब्लॉक है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर है जो प्रमाणिक और आयनिक त्रिज्या है इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तापधारिता, विद्युत ऋणात्मकता से और संयोजकता से क्वेश्चन होंगे। संतुलन में बात करें तो बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जो कानून की सहजातीय संतुलन में अपने आवेदन है सिद्धांत है इनसे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रासायनिक संतुलन को प्रभावित करने वाले कारकों से भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगला है अम्ल और क्षार के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो पीएच फैक्टर है, बफर जो विलयन होता है उनसे बारे में आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वो दोस्तों उष्मा का, उष्मा के संबंध में आपसे कंप्लीट डिटेल इसमें पूछी जाएगी, जो इसमें गर्मी ऊर्जा, व्यापक संबंध, संपत्तियों की संकल्पनाएं, आंतरिक ऊर्जा, तापीय धारिता, गर्मी क्षमता, विशिष्ट गर्मी, हेक्स का नियम, इन सभी से दोस्तों क्वेश्चन
पूछे जाएंगे। अगला है रिडक्स जो प्रतिक्रिया विक्रिया होती है उसके बारे में ऑक्सीजन संतुलन अवस्था रिडक्स अनुप्रयोग प्रतिक्रिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धातु गैर धातु धातुक्रम खनिज अयस्क धातु विज्ञान धातुक्रम के सामान्य सिद्धांत है इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गैर धातुओं और उनके यौगिकों से क्वेश्चन होंगे जैसे कार्बन नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन फास्फोरस हैलोजन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे दोस्तों सीमेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी क्वेश्चन होंगे रासायनिक कार्बनिक रासायनिक संरचना पे इन पे दोस्तों प्रत्येक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे चाहे इनका वर्गीकरण हो आईपीएसी नाम हो बंधन विखंडन इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों साथ साथ आप है वो पढ़ते चलिए कोई भी बात आपको अगर नहीं समझ में है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन होता है एल्केन एल्काइन एल्केन से दोस्तों क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो ये दोस्तों पॉलीमर है जैव अणुओं में रोजमर्रा की जिंदगी की स्थित है रासायनिक शास्त्र में जो रासायनिक विज्ञान है यानी जो रोजमर्रा की साइंस है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलीमर में प्राकृतिक और सिंथेटिक पॉलीमर से क्वेश्चन होंगे। जैव अणुओं में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला दोस्तों जो भोजन में रासायनिक है दवाइयों में रासायनिक है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पर्यावरण रासायनिक विज्ञान हवा पानी मिट्टी प्रदूषण ओजोन परत की कमी ग्रीन हाउस प्रभावित कैसे ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे काम करता है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रभाव और ग्लोबिंग वार्मिंग ग्रीन केमिस्ट्री पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने की रणनीति से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भौतिक दुनिया के माप फंडामेंटल जो व्युत्पन्न जो मात्रक होती है इनकी इकाइयां होती है इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला दोस्तों सूत्र आयामी समीकरण स्टिक और माप में त्रुटियों के इनसे भी क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपका जो फिजिक्स का चैप्टर है वो भी स्टार्ट हो गया है। आगे दोस्तों इसमें देख सकते हैं वेक्टर यानी जो सदिश अदिश राशियां होती हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गति के जो भी नियम है चाहे पहला नियम हो द्वितीय नियम हो चाहे रैखिक संरक्षण का नियम हो इनसे क्वेश्चन होंगे। घर्षण घर्षण के प्रकार यानी घर्षण के बारे में पूछा जाएगा। काम जो आपके जो कार्य है ऊर्जा है शक्ति है इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या होता है आगे आप पढ़ सकते हैं इसमें पूरा टॉपिक इसका दे रखा है। फिर है जो घूर्णन जो गति होती है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपकी कई प्रकार की गति होती है चाहे वो कोणीय गति हो ठीक है कोई भी प्रकार की घूर्णन गति हो उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो बल होते हैं बलों से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आप दोस्तों देख सकते हैं फिजिक्स का आपका जो पेंडुलम है इनसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं वो है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो ग्रहों के गति के नियम है केपलर के जो नियम है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो यूनिवर्सल लॉ है कक्षा जो गति की जो वेलोसिटी के संबंध में जो सिद्धांत है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हुक के नियम से भी क्वेश्चन होंगे। अगला है सतत जो सतह तनाव होता है पृष्ठीय जो द्रव्य दबाव होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक बूंद जो साबुन को बुलबुलों के अंदर जो आण्विक जो दबाव होता है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिटर्जेंट से भी क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो वो है तरल पदार्थ। तरल पदार्थों में क्रिस्टलीय वेग का प्रवाह है चिपचिपाहट का गुणांक है टर्मिनल वेग इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों आप साथ साथ में पढ़ सकते हैं साथ साथ में पढ़ते हुए चले मैं कई टॉपिक है वो आपको बताते चल रहा हूँ क्योंकि काफी लंबा सिलेबस है तो थोड़ा जल्दी आपको मैं करवा रहा हूँ। तो आगे हम बात करें तो है जो गैसों के जो सिद्धांत होते हैं उनसे जो आदर्श इनकी जो समीकरण बनते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है जो हीट आपकी जो गर्मी होती है यानी उष्मा है इनसे संबंधित जो इनकी अवधारणा है ये क्या होती है इनके जो थर्मल विस्तार है इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है कि जो ठोस द्रव है जो तरल पदार्थ है इनमें जो परिवर्तन होता है ठीक है थर्मल क्षमता ग्रोथ इनसे पहले के जो संबंध जो इनके नियम और जो सिद्धांत है उनके संबंधित में जो कार्नोट इंजन के बारे में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विकिरण है नेक्स्ट जो गर्मी का जो संचरण होता है ठीक है थर्मल विकिरण है बिल्कुल जो आपको ठंडा करने वाले न्यूटन के इनसे संबंधित नियम है उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें दोस्तों आगे आप इसमें और पढ़ सकते हैं जो डेपलर का प्रभाव इसमें दिया गया है। आगे हम बात करें जो प्रकाश किरणें होती है ऑप्टिकल उपकरण है इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परावर्तन के नियम हो चाहे अपवर्तन के हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो लेंस हो ठीक है जो लेंस आपके दृष्टि से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे आगे ऑप्टिकल यानी चश्मा जो आपकी होती है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे दो से माइक्रोस्कोप हो या दूरबीन से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको गॉस प्रमेय से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें चाहे बल हो चाहे बल के आधार पर जो बिजली के लाइनों के आधार पर जो सिद्धांत है उनसे भी क्वेश्चन पूछे
जाएंगे। आगे दोस्तों आप पढ़ते हुए चल सकते हैं, साथ साथ के अंदर जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। संधारित्र है, ठीक है। फिर जनरेटर से क्वेश्चन होंगे, जो वर्तमान बिजली में जो ओम का नियम, प्रतिरोध का तापमान, निर्भरता, प्रतिरोधों के रंग, कोड श्रृंखला, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रतिरोधकता प्राथमिक और द्वितीयक कोशिकाओं के समायोजन के जो समांतर संयोजन है, श्रेणी क्रम समायोजन है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों चुंबकत्व के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो प्रभाव है जो मानव निर्मित है, चाहे नेचुरल चुंबक हो चाहे आर्टिफिशियल चुंबक हो, चुंबक से संबंधित आपको कई प्रकार के इसमें चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय तीव्रता, पारगम्यता, संवेदनशील चुंबक और तीव्रता के संबंध में जो क्यूरी नियम है, इनसे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी पूरा जो आपका चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित जो आपका चुंबक का जो पूरा टॉपिक है वो पूरा का पूरा इसमें चैप्टर वो कवर किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे एम्पियर का इसके अंदर नियम भी है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के नियम, लेंज के नियम, स्व प्रेरण, आपसी प्रेरण, इलेक्ट्रॉनिक, दोस्तों इनसे संबंधित जनरेटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि इसमें जो और भी है, चाहे ट्रांसफॉर्मर हो चाहे एलसी दोलन हो, इनसे संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी दोस्तों पूरा सिलेबस है, कहीं पे भी कोई भी टॉपिक है इसमें नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रहा हो, यानी पूरा कंप्लीट सिलेबस। अभी दोस्तों हमें जो सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस है वही हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन का सिलेबस पूरा बाकी है। आप दोस्तों इसमें जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा वीडियो को जल्दी लेकर चल रहा हूँ। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको एक बार आराम से आप पढ़ लीजिए, मैं इतना ही इसको आगे बढ़ रहा हूँ। आगे दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनसे संबंधित दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों जो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का 90 क्वेश्चन 180 नंबरों का जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल की, जिसके अंदर आपके 40 क्वेश्चन 80 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। तो एक बार हम उसी टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। सेकेंड इसमें जो आपके जो विज्ञान होती है, जिसमें चाहे आपकी बोटनी हो, जूलॉजी हो, चाहे माइक्रो जो आपकी साइंस होती है वो हो, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रासायनिक या रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कोई भी हो जो आपकी ग्रेजुएशन के अंदर है, तो इनसे दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, इनके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो सूक्ष्म जीवों की भूमिका होती है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है शैवाल है, कवक से क्वेश्चन होंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिटोफाइटा, इनसे क्वेश्चन, इनके बारे में जनरल बातें वो पूछी जाएगी। आगे सेल संरचना, जो सेल के अंग होते हैं, गुणसूत्र, डीएनए की संरचना, इनसे भी क्वेश्चन। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो ये दोस्तों जेनेटिक कोड है, प्रोटीन संश्लेषण है, कोशिका चक्कर, बंटवारा, इनका जो विभाजन है, इनके महत्व के बारे में क्वेश्चन होंगे। बीज पौधे, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है आवृत्ति बीजी का वर्गीकरण, आप पूरा टॉपिक इसमें पढ़ सकते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज बता रहा हूँ इसका जो भी आपका सिलेबस है। फूल संरचना के अंदर इसका वर्णन है, डबल निषेचन, इनके प्रकार है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट है वो बीच में ले लीजिए। अगला है प्रकाश संश्लेषण, जो पिगमेंट हो, चाहे प्रकाश और संश्लेषण की जो प्रक्रिया हो, C3C4 जो चक्कर है उसमें दोस्तों अभी तक तो हम देख रहे थे वो था 10th और 12th लेवल का, अभी हम बात करें वह पूरी ग्रेजुएशन लेवल की उन्हीं टॉपिकों के आधार पर है। आप वीडियो को दोस्तों पॉज करते हुए पढ़ते हुए साथ साथ चल सकते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं ग्रेजुएशन का जो आपका सिलेबस है वो चल रहा है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके कहीं भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। दोस्तों मैं आपको जल्दी से अगला टॉपिक है जिसमें प्रतिक्रिया तंत्र, जिसमें प्रेरक, हाइपरकार, किसके अलावा प्रतिस्थापन, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चलते हैं, आप देख सकते हैं साथ ही साथ में लैम्बर्ट पेट का कानून का नियम, इसमें सभी से क्वेश्चन है इसके अंदर पूछे जाएंगे। इसके बाद में आगे जो आपका टॉपिक है वो है फिंगरप्रिंट, जो क्षेत्र है, इसकी आम विशेषताएं, अवशोषण, कार्यात्मक समस्याएं, इनसे हुक के नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है केमिकल काइनेटिक्स, जिसके अंदर आदेश और प्रतिक्रिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक नंबर 7 है इसका समाधान है, समाधान से क्वेश्चन होंगे, जिसमें दबाव, भाप के दबाव के कम करने के, हिमांक के अवसाद, उबलते बिंदु के उन्नयन, इनसे संबंधित क्वेश्चन है इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। दोस्तों साथ ही साथ में आप है प्रत्येक टॉपिक को पढ़ते हुए चलिए। आगे बात कर लेते हैं कि इनमें जो तरल पदार्थ है इनके लहरों के संबंधित, पदार्थ की अनुदैर्ध्य तरंगें, ऊर्जा घनत्व, लहरों में ऊर्जा संचरण, इनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। दोस्तों ये हो गया आपका पूरा ग्रेजुएशन का पार्ट है, जिससे 40 क्वेश्चन 80 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी साइंस की पेडागोजी है, जिससे आपके पार्ट सी है, जिससे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जिसमें जो टॉपिक है जो विज्ञान की परिभाषा और विज्ञान की अवधारणा से संबंधित है, बाद में विज्ञान के जो पाठ्यक्रम के अंदर क्या स्थान रखता है विज्ञान है,
बाद में विज्ञान की प्रकृति, वैज्ञानिक रवैया, इनसे संबंधित इसमें फर्स्ट टॉपिक के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है माध्यमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत और चयन को प्रभावित करने वाले कारक है, जिनमें एनपी 1986, पीओए 1992, साथ ही एनसीएफ 2005 यूनिट योजना पाठ योजना से संबंधित इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ विज्ञान के अंदर जो शिक्षक की क्या भूमिका होती है इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होंगे। टॉपिक नंबर 3 है जिसमें दृष्टिकोण यानी जो विज्ञान की जो पेडागोजी है, जो टीचिंग सेक्शन है वो होगा, जिसके अंदर विधि है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, समस्या को लेकर जो भी इनकी विधि, समस्या समाधान, निगात्मक विधि, इनसे क्वेश्चन होंगे। साथ ही पैनल चर्चा, टीम शिक्षण, बहुसंवेदी शिक्षण सामग्रियों से संबंधित क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर आपको देखने के मिलेंगे। अगला है टॉपिक नंबर 4, सहपाठ्यक्रम गतिविधियों से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें विज्ञान प्रयोगशाला क्लब, विज्ञान क्लब क्षेत्र जो यात्रा है इनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। दोस्तों लास्ट टॉपिक है इसका भी और अपने पूरा सिलेबस का, वो है मूल्यांकन यानी एवेलुएशन की जो अवधारणा होती है, साथ ही मूल्यांकन के जो उद्देश्य प्रकार है इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्लू प्रिंट कैसे तैयार करना है, विज्ञान व्यापक औसत व्यवहारिक काम के मूल्यांकन है, और विज्ञान क्षेत्र में मूल्यांकन है उनसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरा सिलेबस, जिसके अंदर 150 के 150 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, साथ इसका पेपर हम चैनल पे पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।